हर व्यक्ति कांशीराम जी की बराबरी करता है, कांशीराम जी बनना चाहता है, लेकिन बात आती है काम करने की या उनके जैसे त्याग करने की, वो कोई भी नहीं कर पाता। तो आप क्या कहेंगे कि इस बारे में? सभी साथियों को जय भीम। कांशीराम जी के पूर्णिमा दिवस पर उनको सत सत नमन। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कांशीराम बनी, कांशीराम जी बनना अच्छी बात है, लेकिन उनके जैसा त्याग और उनके जैसी विचारधारा भी अपने अंदर धारण कीजिए, तभी आप कांशीराम जी बन सकते हैं। कांशीराम जी तो बनकर चले गए, लेकिन अगर आपको कांशीराम बनना है तो उनकी जो पार्टी है, जो उनकी धरोहर है, जो आपको देकर गए हैं, उस धरोहर की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि अभी उन पर मनुवादी हैं, आँख गड़ा कर बैठे हैं कि किस तरीके से इस धरोहर को ख़त्म किया जाए, जो बहुजन समाज पार्टी है। इस धरोहर को उन्हें ख़त्म करने के लिए हर अपने जो तीर कमान है, समझ लीजिए जो अपनी विचारधारा है, जो उनकी गंदी विचारधारा है, वो सारी लगा दी है बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए। तो आप लोगों को कांशीराम बनने के लिए कांशीराम बनकर उन लोगों का मुकाबला कीजिए, तब आप कांशीराम जी बन सकते हैं। वरना कांशीराम जी बनना इतना आसान नहीं है। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया, बीमारी में भी अपने आप को नहीं देखा, सोचा कि क्योंकि बाबा साहब हमारे लिए वोट का अधिकार देकर गए थे, तो उन्होंने कहा इस वोट का अधिकार जो दिया है ये तो औरों के लिए ही उपयोग हो रहा है, और ही राजा महाराजा चाहे शासक बन रहे हैं, तो इस वोट का जो है जो सही उपयोग करना है, मैं इनको एक ऐसी घर बना कर दे के जाता हूँ जिसमें ये अपना उस वोट का प्रयोग करके खुद शासक बन सकते हैं और जो मनुवादी ताकते हैं उनका दमन कर सकते हैं। तो एक हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो बहुजन समाज पार्टी, वो पार्टी भी नहीं है, वो एक मिशन है, क्योंकि हमारे महापुरुषों का मिशन है बाबा साहब की दीवी वोट का अधिकार और कांशीराम जी की दीवी बहुजन समाज पार्टी, यानी कि एक मिशन है ये। तो इस मिशन को आपको आगे ले जाना पड़ेगा। उनके लिए जो हमारे कांशीराम जी हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पर जो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए हुए हैं, चाहे जो दे रहे हैं, वो एक बात समझ लें कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब उनकी धरोहर सुरक्षित रहेगी। और अभी वो खतरे पर उस पर मंडरा रहे हैं मनुवादी ताकतों के, क्योंकि ईवीएम हमारे बीच में एक ऐसा अजगर है जो हमारी पार्टी को सटकने का काम कर रहा है। तो अगर आपको इसको बचाना है तो इस ईवीएम को ख़त्म करना पड़ेगा, इन मनुवादी ताकतों को रोकना पड़ेगा, तो बहन जी को सीएम चाहे पीएम आपको बनाना पड़ेगा, तब आपके समाज पर अत्याचार बंद हो सकता है, वरना आप आने वाली जनरेशन भी गुलाम होने के लिए तैयार हो जाएं। आपको पता होगा कि बहन जी का जब शासन था तब पत्ता नहीं हिलता था। पत्ता हिलने का मतलब है कि किसी बहन बेटी की तरफ आँख उठा के नहीं देखा जाता था, गुंडे मवाली सारे जेल में होते थे। लेकिन आज क्या है, मनुवादी ताकते शासक बन चुकी हैं, उनके हाथों में हमारा संविधान चला गया है, तो हमारी बहन बेटी पर, अरे मैं कहती हूँ अगर जवान लड़की छोड़ो, दो दो साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा उनको सजा देने के लिए, बल्कि उनको और साहस दिया जा रहा है, उनको और सपोर्ट किया जा रहा है उन लोगों को। और ज़्यादातर आपने देखा होगा ये बीजेपी पार्टी के ही लोग हैं जो आज हमारे छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आपने देखा आए दिन रोज केस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको एक काम करना होगा, सिर्फ एक काम, उस वोट का सही उपयोग करें, उस धरोहर को बचाएं। उस वोट का अगर प्रयोग सही करेंगे तो वो धरोहर भी सुरक्षित रहेगी और एक बहुजन शेरनी आपके लिए लड़ने के लिए बैठी हुई है, उसको मजबूत करें। आज बहुजन समाज से जितने भी युवा नेता आते हैं, वे आते ही मायावती जी की बुराई शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में मायावती जी की कहीं कोई ना कोई कमियां हैं या ये एक कोई षड्यंत्र है? देखिए, ये इसको षड्यंत्र ही कहा जाएगा। अगर पार्टी में कमी होती तो कांशीराम जी या बहन जी में कमी होती, कांशीराम जी कभी भी उनको सीएम नहीं बनाते, उनको हमारा लीडर नहीं बनाते। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हम कांशीराम जी पर कोई शक नहीं करते कि उनके किए हुए कामों पर। और जो ये लोग बुराई करते हैं बहन जी की, तो ये हमारे लोग नहीं होते हैं, ये लोग दोगले होते हैं, बेपंदी के लोटे होते हैं, जिनको दलाल के रूप में हमारे समाज में बीच में तैयार किया जाता है और हमारे ही बीच से होते हैं। क्योंकि अगर वो अपने बीच से निकाल कर हमारे बीच में भेजेंगे तो हम उन पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, सोचते हैं मेरे समाज का, लेकिन वो समाज का तो होता है, लेकिन वो दलाली जो करता है वो उन लोगों की करता है। इसलिए वो लोग हमारे लोगों को बरगलाते हैं कि बहन जी मिशन से हट गई हैं। अगर बहन जी मिशन से हटती तो ये जो आप आज देख रहे हो बहुजन प्रेरणा केंद्र, इस सब में आकर आप लोग पुष्प अर्पित नहीं कर पाते, आप सड़कों पर ही रहते। सबसे पहले तो उन लोगों का काम यही है, क्योंकि उन लोगों को तैयार, अपनी पार्टियों में वो जगह इसलिए देते हैं
क्योंकि अगर वो हमारे लोगों का बहन जी की बुराई नहीं करेंगे तो जो बहुजन समाज का जो वोट है, जो एससी समाज का वोट है, वो उन अदर पार्टी को दिलवाएंगे कैसे? और जब तक उनकी पूछे अगर हमारे एससी समाज की वोट वो उन लोगों को दिलवाते हैं, इसलिए उनकी मजबूरी कह लीजिए, षड्यंत्र कह लीजिए, या फिर कहिए जो कुत्ते के गले में पट्टा डाल दिया जाता है और जो उसको जिधर को खींचा जाता है वो उधर को ही चलता है, जो उसको सिखाया जाता है वही वो सीखता है, तो उनका वो हाल हो गया, इसलिए वो बहन जी के लिए बुराई करते रहते हैं। लेकिन उनकी बुराई करने से कुछ नहीं है, हम लोग भी अब समझदार हो गए, हमने भी संविधान पढ़ाया, हमने भी महापुरुषों को पढ़ाया और लोगों को बताते हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को जो सपोले हैं हमारे बीच में, इनको इनके फन कुचलने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।